वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम रिलायंस पावर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे, फंडामेंटल्स भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं रिलायंस पावर स्टॉक के लिए। तो रिलायंस पावर ने फ्राइडे के दिन देख सकते 16.4 पे क्लोजिंग दी थी, 1.55% की तेज़ी देखने को मिली थी। तो यहाँ पे फंडामेंटल चेक की जाए तो देख सकते कि रिलायंस जो पावर है उसकी बात की जाए तो देख सकते कि रिलायंस पावर हैज़ बिन एस्टेब्लिश टू डेवलप कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट पावर प्रोजेक्ट्स बोथ इन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली। द कंपनी ऑन इट्स ओन एंड थ्रू इट्स सब्सिडरीज हैज़ अ लार्ज पोर्टफोलियो ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी बोथ इन ऑपरेशन एज वेल एज कैपेसिटी अंडर डेवलपमेंट। तो फर्दर है जो फंडामेंटल नंबर है, जैसे कि मार्केट कैप 5500 करोड़ के ऊपर है, पी रेशियो नहीं है, बुक वैल्यू 36 रुपीज़ का है, डिविडेंड ऑफर नहीं करता, ROC पॉजिटिव है 5 का है, 5% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव 4.55 का है, फेस वैल्यू ₹10 का है। कंपनी के ऊपर टोटल जो लोन है 23,000 करोड़ के ऊपर है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी का 630 करोड़ का लॉस हो चुका है। EPS देख सकते हैं -2 का है। तो सेल्स की बात किया तो 7,552 करोड़ के सेल्स यहाँ पे देखने को मिले। सेल्स का जो ग्रोथ है वो भी 5% से गिरावट हो चुकी है उसमें। सेल्स में यहाँ पे पिछले 2 सालों से 3 सालों से 3% से गिरावट हो चुकी है। तो टोटल एसेट जो है 49,000 करोड़ के ऊपर टोटल एसेट्स है। फिर यहाँ पे रिटर्न ओवर यहाँ पे देखा जाए तो 6.86% की है। प्रॉफिट ग्रोथ में गिरावट देखने को मिले 322% की। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है 25% की, और उसमें भी शेयर प्लेज है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे रिलायंस पावर के लिए।